गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई आरओ एआरओ भर्ती की और नई एपीएस भर्ती की। बहुत बड़ी खुशखबरी उन छात्रों के लिए है जो विद्यार्थी इन दोनों भर्तियों का इंतजार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी अभी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भर्ती के बारे में नोटिस जारी कर दी है, जिसमें यह बताया गया है कि इसका विज्ञापन कब जारी होगा और इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो ये आप लोग देख सकते हैं 18 अगस्त की डेट पड़ी हुई है और ये अभी अभी नोटिस जारी हुई है। और इस नोटिस में दो भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। एक है अपर निजी सचिव परीक्षा 2023, इसमें 300 पदों के बारे में जानकारी दी गई है। और दूसरी भर्ती आपकी बहुप्रतीक्षित और चर्चित वैकेंसी है आरओ एआरओ 2023। पदों की संख्या केवल 181 है, इसमें विस्तृत होने की आवश्यकता नहीं है। पदों की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ेगी, पिछली बार भी हमने ये देखा है। लोक सेवा आयोग में जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक पद जुड़ते रहते हैं, जब तक परिणाम जारी नहीं होता तब तक पद जुड़ते रहते हैं। और फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी करना शुरू कर दें और ये निश्चित हो चुका है कि अब इन दोनों भर्तियों में कोई भी विवाद नहीं है। दोनों ज्ञापन आना सुनिश्चित हो चुका है और अगले महीने आपका अपर निजी सचिव और उसके अगले महीने यानी कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको आरओ एआरओ का जो विज्ञापन वो देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग बाकी सारी तैयारियां कर लीजिए, ओटीआर नंबर वगैरह जो है अगर अभी आप लोगों ने ना किया हो तो वो कर लीजिए और उसके बाद में आप लोग जो है तैयारी करना आज से ही शुरू कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से बता दूं, यहां तक आए तो वीडियो को लाइक करके अवश्य जाएं।